मालिनी जोग देइछंती एवं निजर अभिभाषण से रखुचंती आसंतु सुनी नबा। सांसद हैं, रह चुकी हैं और अभी वापस रहने के लिए आपके सामने एक कैंडिडेट बनकर आपके सामने है और इन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं इमीडिएट जाऊंगी। अपराजिता ने कहा कि आप आइए इस चुनाव में भाग लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो मथुरा की जो इलेक्शन था, चुनाव खत्म हो चुका है, 26th को उसका वोटिंग हो चुका है। मैं फ्री हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे अपने साथियों के लिए साथ देने के लिए मैं आई हूँ। इस मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, हमारी चहेती और यशस्वी सांसद और प्रत्याशी अपराजिता सारंगी जी और MLA यहाँ के कैंडिडेट हैं प्रियदर्शी मिश्रा जी MLA के लिए हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस सलिया शाही बस्ती में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बारे में बहुत सुना कि ये हमारे मुंबई में भी एक धारावी है, मालूम है ना आपको, धारावी में भी ऐसे ही एक बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती, कभी वो ठीक हो ही नहीं सकता है, ऐसा एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही सुना ये एक बस्ती है, लेकिन इसको अच्छा सुधारने के लिए हमारी अपराजिता बहुत मेहनत कर रही है और इसका बहुत जरूरी है। आप लोग ऐसे कब तक एक बराबर एक कुछ पत्र वगैरह होना चाहिए आप लोगों के पास, पेपर्स वगैरह, वैसा नहीं है और ऐसे जी रहे हैं कई सालों से। इसका एक बराबर एक कुछ एक स्वरूप हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए अपराजिता बहुत मेहनत कर रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन बहुत ही अच्छा हो, खुशहाली हो। और मैं अपराजिता जी जो है, जो ओडिशा की नारी शक्ति की प्रतीक है, वो जो अभी जो भाषण दिया कितना जोरदार, तो वो पहले भी यहाँ की कलेक्टर रह चुकी हैं, तो वो आप लोगों का जितना भी तकलीफ है सब कुछ जानती हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ पर साथ में रहेंगे आपके, तो आपका पूरा जीवन बहुत ही बदल जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है और आप लोगों ने सब ने मन बना लिया कि आप अपराजिता को ही जिताएंगे, है ना, आप जिताने के लिए आए हैं यहाँ पर आप सब लोग। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ एक और महिला जो सांसद में जाएंगे और भी बड़े बड़े पदवी वो हासिल करने लायक है, ऐसे एक व्यक्ति है हमारी अपराजिता जी। और इन्होंने अभी बताया कि यहाँ की सुभद्रा योजना लाई है जो महिलाओं का आत्मनिर्भर करने के लिए, वो उनका मैनिफेस्टो है। जैसे हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो 50,000 रुपया सब महिलाओं को मिलेगी, एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में, ये कौन देता है ऐसा। तो एक ऐसा एक मैनिफेस्टो बनाया जिसको आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए, अगर फायदा चाहिए तो आपको हमारी सरकार को चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो फायदा नहीं है ऐसा करना। मैं कई देख रही हूँ, मैं इस ओडिशा में बहुत सालों से आ रही हूँ, यहाँ पर पिछले 50 साल तो कांग्रेस सरकार थी, उनकी सरकार थी, उसके बाद BJD की 25 साल से चल रहा है। तो ओडिशा का क्या हाल है, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार, लाचारी ज़्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये एक ओडिशा एक बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल जगह है, सांस्कृतिक जगह है और यहाँ का पर्यावरण इतना सुंदर है, नेचुरल रिसोर्सेस और सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे इतना अच्छा होने की वजह से यहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये बहुत ही दुख की बात है, ये इसलिए कि यहाँ के जो आपकी सरकार है BJD की, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया इतने सालों तक, वो 25 साल तक एक ही जगह में एक ही काम करते आ रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत हो गया है, लेकिन जबकि बहुत कुछ करने का है कि नहीं, पूरा देश में पूरा मोदी जी ने कितना विकास करते जा रहे हैं, पूरा देश में इतना विकास हो रहा है, पूरा भारत का एक नया निर्माण कर रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा एक हो रहा है हमारे पूरा विश्व में, पूरा देश में ऐसा काम हो रहा है, पूरा विश्व हैरान है कि कैसा भारत कितना ऊपर उठता जा रहा है,
कितना आगे बढ़ता जा रहा है, भारत को एकदम आगे लेकर आया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आप सब देख सकते हैं। उन्होंने जितनी जो योजनाएं बनाई है सब लोगों को, जनता को देने के लिए, गरीब हो, महिला हो या पिछड़ा वर्ग के हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके लिए उन्होंने सोचकर बहुत कुछ उपलब्धियां दी हैं, योजनाएं बनाई हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है मुझे कि आपके ओडिशा के लोगों को आप तक नहीं पहुंचा है ये सब जो भी। लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी ने 18 लाख करोड़ आपके ओडिशा के लिए दिया है आपको डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे इतना कुछ डेवलपमेंट यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो ये तभी होगा जब यहाँ पर भी आपकी अपनी सरकार हो, यहाँ ओडिशा में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और राज्य में भी, केंद्र में भी, दोनों में एक सरकार हो, लेकिन डबल इंजन सरकार जिसे कहते हैं, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है ना मैं जो बोल रही हूँ, कि मैं ओडिशा ओडिया में तो नहीं बोल सकती हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे हिंदी फिल्मों में तो देखा ना, कई फिल्मों में देखा है कि नहीं? हाँ जी, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल बोल रही है, ड्रीम गर्ल, हाँ जी, उसका प्रभाव अभी तक है मेरे ऊपर ना, बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से आप लोग मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और मैंने भी मेरे मथुरा में बहुत मेहनत किया मेरी इस बार भी, क्योंकि मैं 2 बार वहाँ की सांसद बनकर रह चुकी हूँ। और मैं बाहर से मुझे कहते हैं कि आप बाहर से हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होना चाहिए, लेकिन मैं बाहर से आने की वजह से वहाँ का डेवलपमेंट और भी बहुत ही बढ़िया किया है, बहुत बहुत अच्छा किया है वहाँ पर, सब लोग बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मुझे 3री बार भी टिकट मिला। तो इसका मतलब है 3 बार एक बार सांसद बनना, और ऊपर से वो एक कलाकार हूँ मैं, कला में संबंधित हूँ, नृत्य और फिल्म दोनों में, फिर भी यहाँ सांसद, अपने सांसद क्षेत्र में जाकर लोगों की बात करना, लोगों के सब महिलाओं से बात करना, हर चीज का उनको जो जो जरूरतें हैं वो सब पूरा करना, ये सब मैं करती आ रही हूँ। तो ये ऐसे आसान काम नहीं है सांसद बनना, बहुत मुश्किल का काम है और हर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सबको सॉल्व करते रहना, और उसके लिए साथ में हमारी जो सरकार होती है, लाइक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक प्रधानमंत्री हो तो वो पूरा काम अच्छी तरह से हो जाता है। ऊपर से मैं उत्तर प्रदेश की सांसद हूँ, तो वहाँ पर योगी जी हैं, योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा खुलिया ही बदल दिया, पूरा चेंज किया उन्होंने, इतना अच्छा हो चुका है अभी, पहले जितना भ्रष्टाचार, कितना भूख भय सबको मिटा के उन्होंने इतना साफ सुथरा एक इमेज दिया है हमारे पूरा उत्तर प्रदेश का। तो जिसकी मैं सांसद बनूं तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं मुझे, योगी जी और मोदी जी। ऐसे ही जब यहाँ पर भी ओडिशा को भी बहुत जरूरी है कि राज्य में और केंद्र में एक ही सरकार हो, तब बहुत विकास हो सकता है, जो आप लोग चाहते हैं, आप लोगों की जीवन बहुत खुशहाली हो, हैप्पी हो, आपके बाल बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। क्योंकि मैंने सुना, ये भी सुना है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो गर्भवती होती हैं और जो बच्चे लोग, बच्चे जो पैदा होते हैं, वो कुपोषण होता है, उनका माल न्यूट्रिशन, उनका अच्छी तरह से देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज जो बच्चा पैदा होता है और वो 20 साल के बाद इतना बड़ा जवान लड़का होगा या लड़की, वो क्या देखेंगे? तो उनको बहुत शरीर से बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी होना चाहिए। इस विषय में भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, जो नहीं दिया गया है अभी, जो इस पर अभी जो सरकार है इसने नहीं किया। तो मेरी यही आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपराजिता जो है इनको आप जिताइए यहाँ पर, ताकि आप मोदी जी के हाथ को और भी मजबूत करेंगे। करेंगे कि नहीं? आप चाहते हैं मोदी जी आए ना? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं आप लोगों, देखुं वर्तमान भुवनेश्वर सालिया साहिरे आयोजित भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम सीधा सड़क चित्र जोठी हेमा मालिनी निजर अभिभाषण रखिंटे उपस्थित जनसाधारण को भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी अपराजिता षडंगी को भोट देवाई अपिल कर सहित निज फिल्म इतिहास कथा से समय परिचय कथ मन पकड़ हेमा मालिनी